डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। अब हम पारिजात पत्तों से काढ़ा बनाने की विधि देखेंगे। पारिजात या प्रजक्ता एक पुष्प देने वाला वृक्ष है। इसे हरिशिंगार, शेफाली आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वृक्ष 10 से 15 फीट ऊंचा होता है। इसके फूल बहुत सुगंधित, सफ़ेद और सुंदर होते हैं। इसकी पत्ते ऊपर गहरे रंग की और खुरदरी होते हैं, नीचे हल्का हरे रंग की होते हैं। अब हम पारिजात के औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे। प्रकृति द्वारा दी गई औषधीय पौधों में पारिजात प्रमुख हैं। मौसम संबंधित और विषाणु से फैलने वाले बीमारियों से बचाने में पारिजात प्रभावकारी हैं। जीन पर पीले या सफ़ेद रंग होने वाला बुखार को ठीक करने में पारिजात की काढ़ा गुणकारी हैं। कब्ज को दूर करने में यह असरदार हैं। कैंसर जैसी महामारी पर भी पारिजात का काढ़ा बहुत ही गुणकारी हैं। खून, हड्डी, उदर आदि 14 प्रकार के कैंसर से राहत पाने में पारिजात, अमरूद एवं पीपल की पत्तों की काढ़ा उपयुक्त हैं। यह औषधि पौधे हमारे आसपास हैं। बिना पैसा खर्च करते हुए हम निरोग जी सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, वृक्षो रक्षति रक्षितः। अब हम काढ़ा बनाने की विधि देखेंगे। ताज़ी पत्तियों से ही काढ़ा बनाया जाए। पत्ते बड़े हैं तो 3 या 4 लीजिए। अगर आप इन पत्तों को बाजार से खरीद कर लाए हैं तो इमली के रस में साफ करना है। यह पत्ते अपने बगीचे की हैं, इसलिए मैं सिर्फ संरचित पानी से ही साफ कर रही हूँ। साफ करने के बाद स्टोव पर एक बर्तन रख के उसमें 200 मिलीलीटर संरचित पानी डाल के उबालिए। पत्ते बड़े हैं इसलिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। उबले हुए पानी में पत्ते डालकर और 2-3 मिनट धीमी आंच पर उबालें। अब स्टोव बुझाकर पानी पर ढक्कन ढक दीजिए। स्टील छलनी से पानी छान ले। और सेवन करें। डॉक्टर खादर वाली जी की हिदायत है कि काढ़ा हो या खाना, ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं लेना चाहिए। अब पारिजात पत्तों का काढ़ा तैयार है। काढ़े को खाली पेट में ही सेवन करना चाहिए। अगर आप तेल भी ले रहे हो तो काढ़ा और तेल के बीच में आधे घंटे की गैप दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।